बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम को स्टूडेंट्स, आई एम साकिब लतीफ़ और आप लोग देख रहे हैं आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल सरजी। आज की मेरी वीडियो 9th क्लास से रिलेटेड है। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एक्शन नंबर 1.1 में होने वाले इंपॉर्टेंट जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी टर्म्स हैं, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। और साथ आज के ही लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्शन नंबर 1.1 को भी मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो एक्शन नंबर 1.1 की तरफ जाने से पहले, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि इस चैनल पे मेरी 9th क्लास की जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपसे कोई भी वीडियो स्किप ना हो। और इंशाल्लाह इसी तरह स्मूथली 9th क्लास का जो मैथ्स है हम कवर करते जाएँ। तो स्टूडेंट्स, अब वीडियो की तरफ जी। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। लेक्चर आज का हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है, 9th क्लास मैथ्स का। तो चैप्टर नंबर 1 है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, वो कैसे बनते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं या उनमें कौन कौन सी टाइप्स होती हैं उनमें, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने डेफिनेशन तो लिखी हुई है। सबसे पहले जो हमारे लिए समझना ज़्यादा ज़रूरी था वो था मैट्रिक्स के, व्हाट इज़ मैट्रिक्स, क्योंकि इसी से रिलेटेड पूरा चैप्टर है और इसी की बेस पर हमने पूरा चैप्टर करना। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमें इसका पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी है। पहले हम डेफिनेशन को रीड करेंगे, फिर इंशाल्लाह मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझाने की कोशिश करूँगा। डेफिनेशन है, अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स एंड देन इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स, ठीक है। इस सेट टू फॉर्म अ मैट्रिक्स, क्या मतलब है, देखिए, अ रेक्टेंगुलर अरे। सबसे पहले तो रेक्टेंगल का आपको पता है, रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, एक फोर साइडेड फिगर होती है जिसकी पैरेलल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल में बता देता हूँ, एक पैरेलल रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करते हैं हम। जैसे सपोज़ ये एक रेक्टेंगल की शेप होती है, ये तो इससे तो सब फेमिलियर होंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं ये कि ये रेक्टेंगुलर इस शेप होता है, इसकी जो पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। जैसे ये देखें, ये दोनों पैरेलल साइड्स जो है ये सेम है, इनकी लेंथ सेम है और ये पैरेलल साइड की लेंथ भी सेम है। इसी तरह से डिफरेंट तरह के रेक्टेंगल हो सकते हैं ना, एक ये भी रेक्टेंगल है, इसकी भी क्या है पैरेलल साइड्स जो है वो इक्वल है, ये पैरेलल साइड्स इक्वल है, ये भी पैरेलल साइड्स इक्वल है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये भी एक रेक्टेंगल है, क्यों, क्योंकि इसकी पैरेलल साइड्स भी क्या हैं, सेम है। अब कुछ स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये तो स्क्वायर है, ठीक है, तो जी बिल्कुल एग्जैक्टली ये स्क्वायर है, बिकॉज स्क्वायर भी जो होता है वो एक्चुअल में एक रेक्टेंगल ही होता है। आप समझ लें कि रेक्टेंगल की, ठीक है, मॉडिफाइड फॉर्म है स्क्वायर, मैं रेक्टेंगल से ही स्क्वायर निकले, बेसिकली होता है ये रेक्टेंगल ही है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ जाती है जिसकी वजह से इसको हम स्क्वायर कंसीडर करते हैं। कि एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या, पहले तो देखें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी तो इसके ऊपर फुलफिल होती है, पैरेलल साइड इक्वल है, दोनों साइड्स इक्वल है, ये दोनों साइड्स भी इक्वल हैं, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली रेक्टेंगल तो है। इसको स्क्वायर इसलिए कहा जाता है क्योंकि पैरेलल साइड इक्वल होने के साथ साथ इसकी चारों साइड्स भी इक्वल होती हैं, इसलिए इसको स्क्वायर कहा जाता है, लेकिन बेसिकली है रेक्टेंगल, इसको हम रेक्टेंगल भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर अरे का मतलब था, जो यहाँ पे वर्ड लिखा होता है रेक्टेंगुलर अरे, ठीक है, तो रेक्टेंगुलर का मतलब तो यही है, अरे का वर्ड निकला हुआ अरेंजमेंट से, ठीक है, अरेंजमेंट से मतलब ऐसी अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरे का मतलब होता है ऐसी अरेंजमेंट जो रेक्टेंगुलर की तरह की अरेंजमेंट हो, जो रेक्टेंगल की तरह लगती हो, जैसे इस तरह की अरेंजमेंट हो, ठीक है, जिसको अगर हम मतलब हम शेप देने की कोशिश करें तो ऐसी शेप बने, इसी तरह से इस तरह की अरेंजमेंट हो सकती है, इस तरह की अरेंजमेंट हो सकती है, तो वो जो अरेंजमेंट होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर की शेप की अरेंजमेंट। तो रेक्टेंगुलर अरे समझ में आएगा, रेक्टेंगुलर की शेप की अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरे यानी कि रेक्टेंगुलर की शेप की, रेक्टेंगुलर की तरह की अरेंजमेंट और अ फॉर्मेशन, ऐसी फॉर्मेशन या ऐसी तरह से बनाया गया हो किसी चीज़ को, ऑफ अ कलेक्शन, जो कि कलेक्शन हो, किसकी कलेक्शन हो, ऑफ रियल नंबर्स की, जिसके अंदर सारी की सारी कलेक्शन जो है वो रियल नंबर्स की हो, मतलब ऐसी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ठीक है, जिसके अंदर कलेक्शन हो, किसकी कलेक्शन हो, रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स क्या होते हैं, हमारे जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सारे रियल नंबर्स ही होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 कुछ भी हो, सारी की सारी काउंटिंग जिसमें डेसिमल नंबर्स भी आ जाते हैं, 1.5, 1.2, 1.7, फ्रैक्शनल नंबर्स भी आ जाते हैं, 3/5, 3/4, 1/2, मतलब जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर। हाँ, इनके अंदर हम अल्फ़ाबेट्स को भी एज अ रियल नंबर कंसीडर कर सकते हैं, जैसे A, B, C, D को भी हम एज अ रियल नंबर कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, रेक्टेंगुलर अरे एक रेक्टेंगुलर की तरह की अरे होनी चाहिए, ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, जिनके अंदर रियल नंबर्स की क्या होनी चाहिए, कलेक्शन होनी चाहिए, एंड देन इनक्लोज बाय ब्रैकेट, और फिर उसको जो है वो ब्रैकेट में क्लोज किया हो, कौन सी ब्रैकेट में क्लोज किया हो, ये वाली ब्रैकेट में,
ठीक है। तब जो चीज़ बनेगी या जब जो फॉर्मेशन हमारे पास आएगी, उस फॉर्मेशन को, उस चीज़ को हम कहेंगे कि वो क्या है, वो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, सबसे पहले तो ये कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होनी चाहिए, रेक्टेंगल की तरह की अरेंजमेंट हो, उसके बाद उसमें कलेक्शन हो, किसकी कलेक्शन हुई थी, रियल नंबर्स की कलेक्शन, ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। उसके बाद क्या है, इनक्लोज बाय ब्रैकेट, कि उसको ब्रैकेट में इनक्लोज होना चाहिए, यानी कि वो जो जो भी अरेंजमेंट है वो ब्रैकेट में क्लोज हो, और कौन सी ब्रैकेट हो, यहाँ पर लिखा हुआ स्क्वेयर ब्रैकेट, ठीक है, इसमें वो क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। अब इसको मैं विद एग्जांपल आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है, डेफिनेशन को देखें, उन्होंने लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर अरे किसकी, रियल नंबर्स की, मतलब हमने रियल नंबर्स को रेक्टेंगुलर शेप में क्या करना है, अरेंज करना है, सिंपल है। जैसे देखें, सपोज यहाँ पे मैं तीन रियल नंबर लिख लेता हूँ, 1, 2, 3, ठीक है, ये मैंने रियल नंबर्स को अरेंज किया है, ठीक है। अब इसको मैं एक शेप देने की कोशिश करता हूँ कि क्या ये रेक्टेंगल की शेप बनती है कि नहीं बनती है, देखें, तो ये जो है ये एक रेक्टेंगल की शेप, मतलब मैंने रियल नंबर्स को एक रेक्टेंगुलर अरे में अरेंज कर दिया, एक रेक्टेंगल की शेप में क्या किया, अरेंज किया, ठीक है। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि ये जो है ये रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है, इट्स अ रेक्टेंगुलर शेप। अब इस रेक्टेंगुलर शेप के बाद आगे लिखा हुआ है कि इसको क्लोज भी करना है, हमने किस में क्लोज करना है, ब्रैकेट्स में क्लोज करना है, ठीक है, यानी कि एक रेक्टेंगुलर अरे जिसको ब्रैकेट में क्लोज किया हो, और ब्रैकेट कौन सी यूज़ करनी है हमने, ये वाली, ठीक है। तो जस्ट इतनी सी बात है, ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। क्या है ये, एक रेक्टेंगुलर अरे है, ये रेक्टेंगल बनेगा ये, अगर इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, रेक्टेंगुलर अरे है, कलेक्शन है रियल नंबर्स की, तीन रियल नंबर्स हैं उसकी कलेक्शन है ये, उसके बाद उसको मैंने ब्रैकेट में क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, तो ये बन गया रेक्टेंगल, मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन है मैट्रिक्स की। और एग्जांपल्स देखते हैं, देखिए अरेंज करना है हमने रियल नंबर्स को, सिंपल है। जैसे मैं एक रियल नंबर लिखता हूँ 1, 3, 7, 2, 4, 9, अब देखिए मैंने रियल नंबर्स को अरेंज किया है और ब्रैकेट से क्लोज कर देता हूँ, स्क्वेयर ब्रैकेट लगानी है हमने, स्क्वेयर ब्रैकेट मैंने इसको क्लोज कर लिया। अब देखिए ये भी एक रेक्टेंगुलर अरे है, देखिए अगर इसको क्लोज करता हूँ तो ये भी रेक्टेंगल शेप बनेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है ये भी एक क्या है, रेक्टेंगुलर अरे है, एक रेक्टेंगल की तरह अरे है जिसके अंदर मैंने रियल नंबर्स को कलेक्ट करके बाद में उसको ब्रैकेट में क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। एक और एग्जांपल देते हैं, अगर लेट्स सपोज ये मैं लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 9, ठीक है, इसको अगर मैं मैट्रिक्स कहना चाहूँ तो नहीं कह सकता, बिकॉज ये रेक्टेंगुलर अरे नहीं है, ठीक है, कहीं से भी रेक्टेंगल नहीं बना, ये तो कोई और ही फिगर बनेगी अगर इसको मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर अरे नहीं है, इट्स मीन ये मैट्रिक्स नहीं है। तो मैट्रिक्स में क्या होना जरूरी है कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर की शेप की अरेंजमेंट हो, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स नहीं हो सकता। और एग्जांपल देखते हैं, आप जितनी भी बना सकते हैं, आप इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं, 1, 2, 3, देखें ये भी क्या है, रेक्टेंगुलर अरे बन रही है, इसको मैंने क्लोज कर दिया ब्रैकेट के साथ, तो ये भी क्या बन गया, मैट्रिक्स बन गया। एक आपको मैं दूसरी एग्जांपल देता हूँ, 1, 2, 3, 7, ठीक है, ये देखें ये भी एक रेक्टेंगुलर अरे है, एक रेक्टेंगल की शेप में मैंने कलेक्शन की हुई है रियल नंबर्स की, और बाद में उसको मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया है स्क्वेयर ब्रैकेट के साथ, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको रेक्टेंगल की समझ में आ जाए, मैट्रिक्स की समझ आ चुकी होगी कि मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं और इसकी डेफिनेशन में जो चीज़ें लिखी उनका क्या मतलब है, ठीक है। इसके बाद एक और बात जो आप लोगों ने मैट्रिक्स से रिलेटेड हमेशा याद रखनी है, जैसे आपने सेट्स पढ़े होंगे चैप्टर 8 क्लास में, इसी तरह मैट्रिक्स पे भी ये प्रॉपर्टी होती है इसकी, एक कि मैट्रिक्स को भी हम कोई ना कोई नेम देते हैं, ए बी सी डी, कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट एज अ नेम हम मैट्रिक्स को दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो हमेशा जो है वो कैपिटल लेटर होना चाहिए, मतलब मैट्रिक्स का जो नेम है वो हमेशा कैपिटल लेटर से हम डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल लेटर से डिनोट नहीं कर सकते। जो इसके अंदर वैल्यूज़ होती हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 1, 2, 3, 1, 3, 7, ये सारी वैल्यूज होते हैं, ये मैट्रिक्स की क्या होती हैं, एंट्रीज होती हैं, इनको मैट्रिक्स की एंट्रीज कह सकते हैं, एलिमेंट्स भी हम इनको कह सकते हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, काउंटिंग नंबर हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया रियल नंबर जिसमें डेसिमल नंबर्स भी आ जाते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स भी आ जाते हैं, कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। और सम टाइम हम एज अ इंग्लिश अल्फाबेट जो स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं, कैपिटल स्मॉल अल्फाबेट्स को भी हम एज अ एंट्रीज जो है वो हम सपोज कर सकते हैं, हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी डेफिनेशन, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैट्रिक्स के बाद उसके बाद आगे क्या है, व्हाट आर रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, देखिए हर मैट्रिक्स में रोज़ एंड कॉलम्स होती हैं, ठीक है। रोज एंड कॉलम्स क्या होती हैं, पहले मैं आप लोगों को डेफिनेशन पढ़ा देता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको एग्जांपल से करेंगे। इन अ मैट्रिक्स द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे, ठीक है, आर कॉल्ड रोज, यानी किसी भी मैट्रिक्स में वो एंट्रीज जो हॉरिजॉन्टल वे में हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वे में जिनको प्रेजेंट किया गया हो उनको हम रोज कहेंगे। अब हॉरिजॉन्टल वे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वे होता है ये, दो तरह के वेज होते हैं, ये होता है हॉरिजॉन्टल वे, ठीक है, और ये होता है वर्टिकल वे, ये वर्टिकल होता है
वर्टिकल और ये होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये वर्टिकल वे है और ये हॉरिजॉन्टल वे है, ठीक है। तो वो एंट्रीज जिनको किसी भी मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंट किया गया हो उनको हम कहते हैं रोज, ठीक है। अब यहाँ से हम आइडेंटिफाई करके देखते हैं कि इसमें से रोज कौन कौन सी है। देखें हॉरिजॉन्टल वे की बात करें, हमने जस्ट हॉरिजॉन्टल वे में जो एंट्रीज है उनको देखना है, ठीक है। अब देखिए जो तीनों एंट्रीज हैं ये हॉरिजॉन्टल वे में है, ठीक है। इन तीनों एंट्रीज को हमने हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो इसका मतलब है इस मैट्रिक्स में ये रो है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल वे में है, तो ये क्या है, ये रो। और कितनी रोज है, यहाँ से नज़र आ रहा है एक रो है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में एक रो है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें, इसमें जो हॉरिजॉन्टल वे की एंट्रीज है वो चेक कर लेते हैं कौन सी हैं। ये तीन एंट्रीज जो है हॉरिजॉन्टल वे में है और ये भी जो नीचे तीन एंट्रीज हैं ये भी हॉरिजॉन्टल वे में है, ठीक है। ऊपर की तीन भी हॉरिजॉन्टल वे में थी, नीचे की तीन भी हॉरिजॉन्टल वे में थी, तो इसका मतलब है इस मैट्रिक्स के अंदर दो रोज है, ठीक है। यानी कि दो सेट ऑफ एंट्रीज ऐसे हैं जिनको हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंट किया होता है, इसका मतलब इसमें दो रोज है। उसके बाद अब इसमें आते हैं, इसमें कौन सी एंट्रीज हैं जो हॉरिजॉन्टल वे में, ताकि हॉरिजॉन्टल वे में ज़रूरी नहीं है कि दो तीन चार पाँच एंट्रीज ही हों, एक एंट्री भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, पाँच भी हो सकती हैं, दस भी हो सकती हैं, ठीक है। तो कोई भी एंट्री हो सकती है, ज़रूरी नहीं है नंबर ऑफ एंट्री ज़्यादा ही हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल वे में देखूँ तो ये एक ये एंट्री हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंट है, एक ये वाली एंट्री हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंट है और एक ये वाली एंट्री हॉरिजॉन्टल वे में है, ठीक है। तो कितनी सेट ऑफ एंट्रीज हैं जो हॉरिजॉन्टल वे में, थ्री सेट ऑफ एंट्रीज हैं वो हॉरिजॉन्टल वे में है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। इसका मतलब है इसके अंदर तीन रोज हैं। सेम हम इस मैट्रिक्स को देखते हैं, इस मैट्रिक्स में चेक करते हैं हॉरिजॉन्टल वे में एंट्रीज कौन कौन सी हैं। देखिए एक तो ये वाला ऊपर जो सेट है ये हॉरिजॉन्टल वे में है और एक ये नीचे वाला जो एंट्रीज का सेट है ये भी हॉरिजॉन्टल वे में है। इसका मतलब है इस मैट्रिक्स के अंदर दो रोज हैं, ठीक है। तो वो वाली एंट्रीज जो हॉरिजॉन्टल वे में प्रेजेंट हों उनको हम कहेंगे रोज, ठीक है। तो ये रोज हैं सारी की सारी। अब आई होप तो कि आपको रोज का पता चल गया होगा कि किसी भी मैट्रिक्स में हमने रोज को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो सिंपल हम चेक करेंगे कि कितने सेट ऑफ वैल्यूज़ जो हैं वो सेट ऑफ वैल्यूज़ या सेट ऑफ एंट्रीज जो हैं वो हॉरिजॉन्टल वे में, हम उनको रो कह देंगे, ठीक है, उतनी रोज होंगी। अब आते हैं कॉलम पे, ठीक है। अब नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है कॉलम की, इन द मैट्रिक्स द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे। अब वो वाली एंट्रीज जो वर्टिकल वे में प्रेजेंट है, यानी कि वो सेट ऑफ वैल्यूज़ को हम काउंट करेंगे कॉलम के लिए जो वर्टिकल वे में प्रेजेंट है, वो कौन कौन से हैं। अब अगर इसी मैट्रिक्स की बात की जाए, इस मैट्रिक्स में वर्टिकल वे में, वर्टिकल वे मैंने बताया ये होता है, ठीक है। तो वर्टिकल वे में देखें एक दो तीन, ठीक है। तो तीन सेट ऑफ वैल्यूज जो हैं वो वर्टिकल वे में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम इसमें कह देंगे कि इसके अंदर जो है इस मैट्रिक्स के अंदर तीन कॉलम्स हैं, जितने सेट ऑफ वैल्यूज वर्टिकल वे में होंगे उतने उसमें क्या होंगे कॉलम होंगे। तो एक दो और तीन, तीन कॉलम्स हैं। इसमें चेक करते हैं, इसमें देखें एक दो तीन, इसमें भी थ्री सेट ऑफ वैल्यूज जो हैं वो वर्टिकल वे में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है इस मैट्रिक्स में भी तीन कॉलम्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको चेक करते हैं, इसमें देखें ये, इसमें इसके अलावा कोई नहीं है, यानी कि एक ही वैल्यूज कैसा सेट है, एक ही एंट्रीज कैसा सेट है, ठीक है, जो वर्टिकल वे में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे इस मैट्रिक्स के अंदर एक कॉलम है, ठीक है। अब इस पे आ जाएं, इस पे देखें, ये देख लें इसमें कितने सेट ऑफ वैल्यूज हैं, दो सेट ऑफ वैल्यूज है, दो वैल्यूज हैं जिनको हम वर्टिकल वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब ये वर्टिकल वे में ये दोनों सेट जो हैं प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम्स हैं, दो कॉलम्स हैं। तो रोज एंड कॉलम्स बहुत सिंपल है, वो एंट्रीज जो हॉरिजॉन्टल वे में होंगी वो हम होंगी रोज, और जो एंट्रीज वर्टिकल वे में होंगी वो होंगे कॉलम्स, ठीक है। तो आई होप सो कि रोज एंड कॉलम्स से आपको समझ आ चुका होगा। अब नीचे आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ एन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन द मैट्रिक्स स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो बताएंगे हमें कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ तो आपको समझ में आ जाएगी, माइंड में बिठा लें इसको, कि जब ये हमें ऑर्डर की बात आएगी तो हमने नंबर ऑफ रोज काउंट करनी है कि कितनी रोज हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स हमने काउंट करने के कितने कॉलम्स हैं, ठीक है। और बाद में उसको प्रेजेंट कर देना, प्रेजेंट कैसे करना वो लिखा हुआ है। इफ़ अ मैट्रिक्स एम, एक मैट्रिक्स एम उसने सपोज कर लिया, हम यहाँ पे ए लिख सकते हैं, बी सी कोई भी नेम हम दे सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने एम सपोज किया। इफ़ अ मैट्रिक्स एम, एक मैट्रिक्स एम हैज़ एम रोज, रोज को उन्होंने रिप्रेजेंट किया एम से, मतलब जितनी भी रोज होंगी उनको हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि उसमें एम रोज हैं, ठीक है। एम एक मैट्रिक्स है जिसमें जो रोज हैं उनको उसको उसके लिए वो एम है, ठीक है। अब
कॉलम्स के लिए क्या यूज़ किया, एन, के उसके अंदर एन कॉलम्स हैं, ठीक है। देन एम इज सेट टू बी द ऑर्डर ऑफ किस, एम का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, वो होगा एम बाय एन। ये आप समझ लेंगे ये मैट्रिक्स के ऑर्डर को, ठीक है, शो करने का, रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है, ठीक है, एम बाय एन। आप ऐसे ही लिखोगे, एम का मतलब है नंबर ऑफ रोज, कि कितनी रोज है मैट्रिक्स में, ठीक है, वो एन का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स, उस मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं। सपोज एक मैट्रिक्स है जिसमें टू रोज और थ्री कॉलम्स हैं, ठीक है, तो रोज को चूँकि हम एम से कंसीडर किया हमने, तो यानी कि टू इस जगह पे आ जाएगा एम की जगह पे, रोज की जगह पे, और थ्री जो है वो कॉलम्स की जगह पे आ जाएगा, यानी कि टू रोज और थ्री कॉलम्स, तो उसका ऑर्डर बन जाएगा टू बाय थ्री, ठीक है। एक और चीज़ है, एक तो इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आ रही है कि आप इसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए ये भी यूज़ होता है, और एम क्रॉस एन, इसको हम एम क्रॉस एन पढ़ते हैं। आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एम होते हैं रोज और एन होते हैं कॉलम्स, तो रोज क्रॉस कॉलम्स, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो होगी डेफिनेशन की, अब तक आप इसको विद एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज ये मैट्रिक्स है, एक ये वाला मैट्रिक्स है, इसके अंदर आपने अभी कंसीडर भी देखा हमने कि इसके अंदर रोज़ कितनी है, रोज़ क्या होती है, हॉरिजॉन्टल वे में जो रिप्रेजेंट हो, हॉरिजॉन्टल वे में हमने देखा था ये एंट्रीज जो है वो हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें एक रो है, और रो को किससे कंसीडर किया हमने, एम से, यानी कि जो एम है वो वन है, एक रो है, ठीक है। अब कॉलम्स के लिए चेक करते हैं, हमने कॉलम्स देखने, कॉलम्स क्या होते हैं, वर्टिकल वे में जो, यहाँ पे देखें वन टू थ्री, ये तीन एंट्रीज के सेट हैं वर्टिकल वे में, एक ये है, एक ये और एक ये, इसका मतलब इसके अंदर तीन कॉलम्स हैं, और कॉलम को किससे रिप्रेजेंट किया हमने, एन से, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एन इज इक्वल टू थ्री, यानी एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, थ्री है, ठीक है, एक कॉलम है, एक रो है, और तीन क्या है, कॉलम है। तो हम इसका ऑर्डर, इसको सपोज कर लेते हैं, पहले मैं इसको एक नेम दे देता हूँ, लेट्स सपोज इसको उन्होंने नेम दिया ए का, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे इसका आंसर कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा ऑर्डर ऑफ ए, यानी कि ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है क्या होगा, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है एम बाय एन, एम रोज है, एन कॉलम है, तो एम वन है, यहाँ पे आएगा वन बाय एज इट इज़, ये सिंबल है, ठीक है, और एन क्या है, थ्री, यानी कि तीन कॉलम्स हैं, यहाँ पे आ जाएगा थ्री। तो यानी कि ए जो मैट्रिक्स ये वाला था, इसका ऑर्डर आ गया, ऑर्डर ऑफ ए आ गया वन बाय थ्री, ठीक है। सेम इसी तरह से हम इसका ऑर्डर चेक करते हैं, इसका ऑर्डर क्या बनता है, इसको मैं सपोज कर लेता हूँ कैपिटल बी से, कोई भी नेम हम दे सकते हैं, ठीक है, तो कैपिटल बी मैंने इसको नेम दे दिया, ठीक है। अब इसका ऑर्डर चेक करने की कोशिश करते हैं, ऑर्डर सेम वही एम बाय एन, एम रोज है, एन कॉलम्स हैं, तो पहले रोज एंड कॉलम चेक करते हैं, इसमें देखें कितनी रोज हैं, इसमें मैंने देखा था हमने पहले ये वन और ये टू, टू रोज है इसमें, यानी कि इसमें जो एम है वो टू है, रोज टू है इसमें, ठीक है, और एन यानी कि कॉलम्स, कॉलम्स वर्टिकल वे में, तो वन टू थ्री, तो तीन कॉलम्स हैं इसमें, तो एन जो है वो इसमें क्या है, थ्री है, ठीक है। तो एम बाय एन, एम बाय एन फॉर्मूला है, तो यहाँ पे सेम वही ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू एम बाय एन, एम मतलब टू बाय एन मतलब थ्री, तो टू बाय थ्री इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो टू क्रॉस थ्री, ये भी ठीक है, ये दोनों मेथड जो सेम है, आप टू बाई थ्री उस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और टू क्रॉस थ्री जो है इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, पढ़ते दोनों को सेम ही है, टू बाई थ्री पढ़ेंगे हम इसको, तो बी का ऑर्डर क्या है, टू बाई थ्री। इसी तरह इस मैट्रिक्स का अगर आप ऑर्डर देखें, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज यानी कि एम, एम कितना है, इसको हम सपोज कर लेते हैं, इसको मैं जी सपोज कर लेता हूँ, कैपिटल जी, ठीक है। अब इसका ऑर्डर चेक करने के लिए पहले नंबर ऑफ रोज यानी एम देखते हैं, इसमें नंबर ऑफ रोज यानी एम कितने हैं, देखिए वन टू थ्री, हॉरिजॉन्टल वे में जो एंट्रीज हैं वो रोज होती हैं, ठीक है, तो इसमें तीन रोज हैं, तो एम इसमें आ गया थ्री। अब इसमें चेक करते हैं कॉलम्स, कॉलम्स क्या होते हैं, जो वर्टिकल वे में हो, तो वो चेक करते हैं, यहाँ पे देखें एक ही सेट ऑफ एंट्रीज है जो वर्टिकल वे है, यानी कि एक ही वर्टिकल वे जो यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक ही कॉलम है, तो यानी कि एन यहाँ पे वन है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करना है, इसको ऑर्डर कैसे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एम थ्री बाय एन, जो है वो क्या है, वन है, ठीक है, तो इसका ऑर्डर आ गया थ्री बाय वन, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको ऑर्डर की समझ में आ चुका होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है जो इस 1.1 एक्सरसाइज के लिए जरूरी हुआ है, व्हाट आर इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है, कि दो मैट्रिसेस अगर हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो इक्वल है, यानी कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। इक्वल मैट्रिक्स, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, दो मैट्रिसेस सपोज कर लिए मैंने, ए और बी हैं, वो दो
कोई भी हो सकते हैं, आप नेम चेंज करके MN कर सकते हैं, PQ कर सकते हैं, RS भी कर सकते हैं, कोई भी नेम दे सकते हैं। तो दो मैट्रिक्स A और B हैं और मैंने चेक करना है कि वो इक्वल हैं कि नहीं, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये देखनी पड़ेंगी। सबसे पहला क्या है कि ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B, यानी कि जो A मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है वो इक्वल होना चाहिए बी मैट्रिक्स के ऑर्डर के, यानी कि हम क्या करेंगे, दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर फाइंड करेंगे और चेक करेंगे क्या वो इक्वल हैं कि नहीं है। अगर ये कंडीशन फुल हो जाती है उसके बाद फिर हम सेकंड कंडीशन पे आएंगे। सेकंड कंडीशन क्या है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, यानी कि दोनों जो मैट्रिसेस हैं उनके अंदर जो एलिमेंट्स यूज हुए हैं वो दोनों के एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, एक दूसरे से बिल्कुल सेम होने चाहिए। ठीक है, तो दो अगर किसी में भी प्रॉपर्टीज जो हैं वो फुलफिल हो रही हैं तो इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स के हैं वो इक्वल मैट्रिसेस हैं। सपोज करते हैं, एक एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे, एक मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ ए, ए मैट्रिक्स में मैंने एलिमेंट्स लिख दिए 1, 2, 3, 4। उसके बाद मैंने एक मैट्रिक्स और लिख दिया बी, बी में मैंने एलिमेंट्स लिख दिए 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो मैट्रिसेस हैं, एक मैट्रिक्स ए है एक मैट्रिक्स बी है, हमने चेक करना है कि इक्वल हैं कि नहीं है। पहली कंडीशन क्या आती है कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम है, देखें इसके अंदर रोज जो हैं वो कितनी है, 2 रोज हैं। तो मैं लिखता हूँ ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए यानी कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर। फॉर्मूला क्या था इसका, अभी हमने पढ़ा था एम बाय एन। ठीक है, एम क्या है, रोज हैं, कितनी रोज हैं, 1 एंड 2, 2 एंट्रीज़ के सेट जो है वो हॉरिजॉन्टल वे में है, इसका मतलब इसके अंदर 2 रोज हैं। ठीक है, तो m मतलब m आ गया यहाँ पे 2, m यहाँ पे 2 है, और n, n का मतलब क्या होता है, कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं जो वर्टिकल वे में हो, तो वो भी यहाँ पे देखें 2 ही हैं। ठीक है, तो n भी क्या हो गया 2, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो है 2 बाय 2, यानी 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, पहले रोज आएंगे फिर कॉलम्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम चेक करते हैं ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स बी का ऑर्डर, फॉर्मूला सेम, कितने रोज हैं, 2 रोज हैं, तो यानी कि 2 यानी m 2 हो गया बाय, अब हमने कॉलम चेक कर दिए, कॉलम n होता है वर्टिकल वे। ठीक है, तो वर्टिकल वे में भी 2 हैं तो इसका n भी 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो दो इसका ऑर्डर आ गया 2 बाय 2। अब देखें a का ऑर्डर भी 2 बाय 2 है, b का ऑर्डर भी 2 बाय 2 है, इसका मतलब इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है, सेम है। अब चेक करते हैं दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या थी कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, कि उनके अंदर के जो कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर वो भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं, देखें इन दोनों में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विद प्लेस, मतलब उनकी पोजीशन भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब देखें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 सेम फर्स्ट पोजीशन में है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 सेम फर्स्ट पोजीशन पे है, 3 भी सेम है और 4 भी सेम है, इसका मतलब दोनों के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी क्या है, सेम है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब भी यही है कि पोजीशन के लिहाज से जो एलिमेंट्स है वो भी सेम हो, यानी फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, इसकी फर्स्ट पोजीशन पे भी 1 है, फर्स्ट पोजीशन पे 2 है, इधर भी 2 है, 3 है और यहाँ पे भी 4 है, तो वो भी सेम है, दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है वो इक्वल है मैट्रिक्स बी के, उसको लिखेंगे ए इक्वल बी, सेम इसी तरह से। ये तो होगी डेफिनेशन की, अब तक यहाँ पर डेफिनेशन में 2 कंडीशंस लिखी हैं, वैसे भी कॉमन सेंस की बात है कि इन दोनों मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो दोनों मैट्रिक्स एग्जैक्टली सेम नज़र आ रहा है, सेम है। ठीक है, तो इसलिए हम इनको इक्वल मैट्रिक्स कह सकते हैं, देखते ही पता चल जाएगा कि मैट्रिक्स इक्वल है कि नहीं है। तो अगर पेपर में आता है, MCQs में आता है, तो आपको ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप देख ही बता सकते हो कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, होप्सो कि आपको आज का जो लेक्चर वो समझ में आ चुका होगा, आज के लेक्चर में हमने जिन चीज़ों को भी पढ़ा है उन चीज़ों का घर में एक बार दोबारा से उनकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा ताकि आप लोगों को वो चीज़ पक्की हो जाए। किसी अगर कोई डाउट या किसी किस्म का कोई कॉन्सेप्ट या कोई क्वेश्चन आपके माइंड में इस लेक्चर से रिलेटेड हो तो आप लोग मुझे मेरे फेसबुक पेज पर, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर या व्हाट्सएप पर मुझसे कॉन्टैक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा इस वीडियो को अगर आपको इसकी समझ नहीं आई हो तो इसको आप लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है तो दूसरों को भी फ़ायदा हो। इसे कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, और उसी डाउट की इंशाल्लाह मैं एक वीडियो में उसको आपको क्लियर भी करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसके अलावा बाकी इंशाल्लाह इसके जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज हैं वो हम फर्दर करते रहेंगे, तो अपना ख्याल रखिएगा और अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।